भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश के सीजन में वायरल फीवर के मरीज एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या 1.5 गुनी हो गई है। जेपी अस्पताल में वायरल फीवर से मरीजों की संख्या 15 से 20% का इजाफा हुआ है। अस्पताल में इन मरीजों के इलाज के लिए अलग से बेड का इंतजाम किया गया है। राजधानी भोपाल में बीमारियां पैर पसारने लगी हैं। यहां सर्दी, जुकाम और वायरल के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं डेंगू मलेरिया के लक्षण वाले मरीज भी तेजी से अस्पताल पहुंच रहे हैं। मरीजों में ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। फेफड़ों में 30% तक संक्रमण हो रहा है। 10 दिन तक बुखार भी नहीं जा रहा है। जेपी अस्पताल के CMO डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि बीमार होने पर देर न करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। मरीजों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि शहर से लेकर गांव तक इसके लिए जागरूकता लाई जा रही है। वायरल फीवर के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इस स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारे यहाँ दवाइयों से लेकर सभी तरह की हेल्थ किट उपलब्ध है। हमने मरीजों की बढ़ती संख्या देखते हुए अलग से बेड भी तैयार करवाए हैं। हमारे यहाँ जैसे हेल्प डेस्क तो बनी हुई है, तो वहाँ पे भी अगर दिन में तो वो व्यवस्था चालू रहती है, रात में वार्ड बॉय रहते हैं, पुलिस की सुरक्षा है और सब तरफ सुविधा, तो हमारे यहाँ सुरक्षा बनी हुई है। आउटसोर्स कर्मचारी भी हैं जो राउंड लेते हैं, जो सिक्योरिटी के कर्मचारी हैं, वो व्यवस्था बनाए हुए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।